चोपता में 2 राउंड लगा दिए लेकिन कोई होटल नहीं मिल रहा है, इंसान ही नहीं है कोई भी आसपास में, है ही नहीं। तो टाइम कितना हुआ है? वो देखो पूरी रेंज यहाँ से नजर आ रही है अच्छे से, बिल्कुल बर्फ वाले पास। 20 घंटे ट्रेवल करते हुए लगातार। काफ़ी टाइम हो गया, अभी 8:30 से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है और अभी जाना है हमें चोपता, वहाँ का स्टे करेंगे। हाँ तो चोपता का स्टे रहेगा। पार्किंग से निकल चुके हैं अभी लेकिन ये नहीं पता किधर जाना है, मैप नहीं चल रहा। घर से हम कितना आ चुके हैं, घर से हम 266 किलोमीटर आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है, मैं मतलब मैंने इसको बोला है हफ्ते में 3 दिन ना मैं लगभग फाटक पे फंस गए हैं दोस्तों। ट्रेन आ चुकी है वैसे ऋषिकेश जाते हुए। अभी 168 किलोमीटर बचा हुआ है, कम से कम 6 घंटे लगेंगे, सुबह पहुंचेंगे 3:30 के आसपास। हेलो दोस्तों, कुछ ऐसा अपडेट है, अभी ऋषिकेश में हम थे 10 बजे, 10 बजे थे ना रात को, 10 बजे थे वहाँ पे, रूम मिले नहीं, सब 4,000 साढ़े 4,000। फिर वहाँ से निकले कि चलो चोपता ही चल के रुकते, अब चोपता में 2 राउंड लगा दिए लेकिन कोई होटल नहीं मिल रहा है। होटल होटल छोटा कोई नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा, इंसान ही नहीं है कोई भी आसपास में, है ही नहीं। तो टाइम कितना हुआ है तो बताओ? 3 बजे ये बोलेंगे थोड़ा बाबू का, थोड़ा 3 बजे होटल खोल के, यहाँ के कुत्ते भी सो रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा रोड पे, इतनी देर से चल रहे, इतने खतरनाक खतरनाक रोड है, नीचे खाई दिख रही है सीधी, इनको व्यू दिखा। व्यू तो दिख नहीं रहा ना इसमें, व्यू अच्छा यहाँ से नहीं दिख रहा, हम गलत सही जगह खड़े हैं यार, गलत नहीं। टाइम देखो 3:20 हुई है, वो तो हम स्लो स्लो आए हैं। ऋषिकेश वहाँ से हरिद्वार से 204 किलोमीटर आ चुके। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल डे 2 टू टुंगनाथ। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, रात को हम गलत चोपता में आ गए, यहाँ पे 3 चोपता है और अभी यहाँ से हमने सुबह सुबह 5 बजे रात को हम सोए गाड़ी में और अभी सुबह सुबह उठे हैं 5 बजे, तो एक बंदा मिला उससे पूछा कि वहाँ जाना है, तो उसने बोला कि एक और चोपता है, तुम गलत में आ गए हो। तो अभी जा रहे हैं वापस यहाँ से, अभी 70-75 किलोमीटर है वो वाला, 2.5 घंटे के ट्रेवल के बाद रात को आ गए थे, सोचा कि चलो सुबह सुबह ट्रैक कर लेंगे, अब तो वापस जाना पड़ेगा। ये ऐसे रोड है, रोड तो बहुत खूबसूरत नहीं, बस बस आराम से इसको पहाड़िया देख लो। अरे ये तो देख लेंगे हम, ना अच्छे तो दिख जाएंगे। आराम से डंडा भी गए, रास्ते बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ साइड में खाई भी बड़ी प्यारी प्यारी थी, प्रॉपर लाइटिंग के साथ थी, बिल्कुल टॉप पे अभी। चलो एक नया चोपता और एक्सप्लोर कर लिया हमने।
चलो दोस्तों, अभी यहाँ रास्ते में रुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा 20-25 मिनट का रास्ता रह गया है चोपता का। अभी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, पीछे देखो आप पूरी रेंज दिखाता हूँ। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, वो देखो पूरी रेंज यहाँ से नज़र आ रही है अच्छे से, बिल्कुल बर्फ़ वाले पहाड़। ये यहाँ पे टेंट्स है अभी, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे, अभी आगे जाके लेंगे टेंट्स। हेलो गाइस, अभी हम चोपता पहुंच चुके हैं फाइनली, और बिल्कुल टॉप पे है इस टाइम पे, बिल्कुल टॉप, हमसे ऊपर कुछ नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हमसे ऊपर पेड़ है। ये लास्ट है, ये देखो बिल्कुल टॉप पे है। हेलो दोस्तों, अभी कुछ ऐसा अपडेट है, अभी पहुंचे थे चोपता हम सुबह कितने बजे, कल कितने, 11 बजे निकला था मैं घर से, 11:30 बजे निकले थे, और अभी टाइम हो चुका है 8:30 का, तो हो गए लगभग 20 घंटे ट्रैवल करते हुए लगातार, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम फिट, अभी हम और ट्रैवल करेंगे। जस्ट अभी खाना खा के अभी आए हैं एक शॉप में, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप है, ज़्यादा बड़ा वो कुछ नहीं, रहने का देखा है, रहने का कुछ है नहीं यहाँ पे, और फ्रेश होने का ऐसे है, नीचे टेंट मिलेगा आपको, टेंट में फ्रेश होना पड़ेगा, 10 रुपये पर पर्सन। टेंट में एक वो कर्टेन लगा हुआ आगे, उसको आपस में ऐसे चिपकाओ और उसके पीछे बैठ जाओ। और पोजिशन भी बैठने की वहाँ पर बहुत ख़राब है, पैर दुखने लग जाते हैं। हाँ, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, और ट्रैकिंग को फिर अलग से नए व्लॉग में डालेंगे ये। हेलो गाइज, आपको मैं बता रहा था ना वो टेंट वाला फ्रेश होने का सिस्टम, वो दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। देखो वो दिख रहा है आपको, वो टेंट है एक, ये है फ्रेश होने का, आपको इसमें जाना पड़ेगा। अभी कैंप के लिए पता किया है, यहाँ पे कैंप है नहीं, वापस नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन पहले सोच रहे हैं कि ट्रैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं कैंप मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कैंप नहीं है, मना कर दिया है यहाँ पे लोगों ने, सीधा सीधा कैंप्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं नीचे जाएंगे ट्रैकिंग के बाद, तब आपको अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को।